अच्छा भाई और कराची कंपैरिजन किया जाए नताशा की नजर से से तो दोनों जगहों की दो-दो दो-दो अच्छी बातें बातें और दो -दो ऐसी बाते जो अगर उस शहर बात करते हैं है किस एक ब्यूटिफुल तो, प्लेस oh. आप आपको एक पीस मिलता है ठीक है वहां पे दूसरी अच्छी बात यह है कि

ठीक है तो मतलब इतना तो बड़ा मुर्गा उन्होंने रखा होगा ना थीक... वो आपको साढ़े पाँच बजे उठाना शुरू कर देता <laughs> <laughs> बस यही है हाँ तो आपकी वहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है अब वही दो डाउन साइड वही एक तो मैंने बोला कि सहूलत बिजली का प्रॉब्लम है अभी भी अच्छा इंटरनेट सिग्नल कभी आते आता है कभी नहीं हाँ ये वाला इशू है तो ये वाले थोड़े से इश्यूज हैं जो अगर देखा जाए ना तो यही ब्यूटी है कि वो क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है तो बहुत ऑर्गेनिक लाइफ है अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो वहां भी क्यों आ जाएगा ये बात भी है बट अक्सर मुझे होता है कि हम तो यहाँ से बैठ के कह रहे हैं क्योंकि हम अपने लिए कह रहे होते हैं कि क्योंकि हमें वहां मिल जाके सुलेस मिलता है जो हमें यहाँ नहीं मिलता लेकिन कट ऑफ चाहिए हमें। या जो वहाँ जो रह रहे हैं ना देर फेसिंग वहाँ बच्चे पढ़, पढ़ने के लिए उनको इंटरनेट की जरूरत है उस तरह से बिजली की जरूरत है पढ़ाई के लिए तो उस तरह से चीजों की सहूलत होना लाजमी है अब आप अगर स्विट्जरलैंड जाए तो वहां पे आपको सारी सहूलत भी मिलेगी और पहाड़ भी मिलेगा और ग्रीनरी भी मिलेगी So, I think, uh, win -win होनी चाहिए उनके लिए भी अब uh, कराची पे आते हैं ठीक है मतलब uh, मुझे कराची ने कभी भी फारिग रहने नहीं दिया हमेशा बिजी रखा uh, मैंने हमेशा या तो बचपन से अभी तक मैं इतनी मतलब इस शहर में मैंने अपॉर्चुनिटीज अवेल की हैं तरह तरह की स्पोर्ट्स में म्यूजिक में एजुकेशन में सो so, uh, uh, like yes. इट्स <laughs> <laughs> दूसरी अच्छी बात इस शहर की है कि इसकी अपनाइयत जो है कि यहाँ पे हर किसी को वेलकम करता है वो वो तासुब नहीं है कराची के अंदर वो हर हर कोई इसको अपना घर समझता है अब डाउन साइड ये है कि कोई कराची को अपना घर नहीं समझता हाय हाय हां सो ट्रू या क्योंकि इसकी डाउन साइड की वजह से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स हैं मतलब जो कराची डिजर्व करता है वो नहीं क्योंकि नहीं वो इतना आपको ग्रूम करता है हुँ. कि आपने सिटी को ही ग्रूम नहीं किया आपने आप सिटी की रेड मार दी तो ये प्रॉब्लम है एंड okay, uh, कराची कराची बाप है एग्जैक्टली सबको पाल रहा है लेकिन यतीम बाप है यतीम बाप है